फरवरी खत्म होने को है और मार्च की शुरुआत होने वाली है। हर महीने की शुरुआत में देश में कई चीजों में बदलाव होता है जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में अब मार्च के महीने में भी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंक के लोन और ट्रेन के समय से लेकर बैंक हॉलीडे जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। तो आइए जानते हैं कि मार्च में क्या क्या नए बदलाव होंगे और वो कौन से काम है जिन्हें आप फटाफट निपटा लें। देश में अगले महीने से सोशल मीडिया पर शिकायतों के लिए नया पोर्टल शुरू हो सकता है। दरअसल सरकार ने मंगलवार को एक पोर्टल ग्रीवेंस अपेलेट सिस्टम लॉन्च किया है जो सोशल मीडिया पर मिल रही सभी शिकायतों का समाधान करेगा। इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया साइट्स पर मिलने वाली शिकायतों का समाधान जल्द मिलेगा। ये कल से लागू हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी। आईएलटीएस के एग्जाम को लेकर भी बदलाव हो सकता है। दरअसल पिछले साल आईएलटीएस यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ने वन स्किल रीटेक की घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि मार्च 2023 से आईएलटीएस की परीक्षा में छात्र अलग से एक मॉड्यूल की परीक्षा दे सकेंगे। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे ऐसे देशों में जहां इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है वहां पढ़ने, बसने या नौकरी के लिए जाने से पहले यह एग्जाम देना होता है। इसमें चार मॉड्यूल में परीक्षा होती है। अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो छात्र को दोबारा हर मॉड्यूल की परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन अब वो किसी एक मॉड्यूल का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो उसी मॉड्यूल का एग्जाम दे सकेंगे। तीसरा बदलाव, आम जनता उम्मीद कर रही है कि गैस के दामों में संशोधन हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में संशोधन किया जाता है। फरवरी में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में देखना है कि इस बार दाम ऊपर नीचे होता है या नहीं। मार्च के महीने की शुरुआत के साथ ही बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को झटका लग सकता है क्योंकि 1 मार्च से लोन महंगे हो रहे हैं। दरअसल फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है जिसके बाद से पहले कई सारे बैंक अपने एमसीएलआर रेट बढ़ा चुके हैं जिससे बैंकों से लोन लेना महंगा हो गया है। बंधन बैंक 28 फरवरी से ही अपना लोन महंगा कर चुका है। इसके अलावा एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक ने भी लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा मार्च के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। मार्च में इस बार होली का बड़ा त्योहार पड़ रहा है। नवरात्रि भी मार्च में ही पड़ रही है। ऐसे में इस बार हॉलीडेज है। वैसे बैंकों में साप्ताहिक और त्योहारों की छुट्टियां मिलाकर कुल 12 छुट्टियां मार्च के महीने में पड़ रही हैं। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक निजी और सरकारी बैंक 12 दिन तक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंकों से संबंधित कोई कार्य करवाना है तो आप फटाफट से निपटा लें। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।